हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, आम के पापड़। आम के खट्टे मीठे पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएंगे। ये मैंने 1 किलो आम लिए हैं। अब जितने भी आम हैं मैं इनको छील लूँगी। वैसे भी आम का सीज़न चल रहा है, तो आप इनके पापड़ ज़रूर बनाएं, ये आपको बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे लगेंगे। आम को मैंने अच्छे से छील लिया है और उनके पीसेज भी बना लिए हैं। अब मैं एक ग्राइंड जार लूँगी और ग्राइंड जार में इन आम के पीसेज को ऐड कर दूंगी और इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लूंगी। ये मैंने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं जो मैंने आम का अच्छा सा पेस्ट बनाकर रेडी किया था उसको ऐड कर दूंगी और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। चीनी मैंने 1 कप ऐड की है। अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। मैं हाई फ्लेम पर इसको पका रही हूँ। देखें, हाँ, आम का पेस्ट हमारा अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको सुखाने वाला प्रोसेस करेंगे। अब मैंने 1 प्लेट ली है। प्लेट पे मैंने ऑयल को डाल लिया है। अब मैं इसको अच्छे से ग्रेस कर लूँगी। ये बहुत ही खट्टे मीठे और बहुत ही अच्छे पापड़ बनकर रेडी होने वाले हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे और आप इनको बहुत सारे बनाकर इनको स्टोर करके भी रख सकती हैं 3-4 मंथ के लिए। ये ख़राब नहीं होते और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अब मैं जो पेस्ट मैंने इसको कुक किया है, अब मैं इसको प्लेट के ऊपर ऐड कर दूंगी और इसको साइडों से सब में फैला दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसको ज़्यादा मोटा नहीं फैलाना है, बारीक बारीक फैलाना है, जिससे जल्दी सूख जाएगा। अब मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है। अब मैं इसको 2 दिन के लिए सूखने के लिए रख दूंगी। आप इसको किसी कपड़े से या फिर जाली से कवर करके भी सूखने के लिए रख सकते हैं। जो आम का पापड़ हमने सूखने के लिए रखा था वो हमारा सूख गया है और बहुत अच्छा हो गया। आप चाहें तो इसको साइडों से ऐसे भी हटा हटा कर चाकू से इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत आसानी से हट जाएगा और टूटेगा भी नहीं, क्योंकि हमने प्लेट को पहले से ग्रीस कर लिया था। देखिए कितने अच्छे से हट रहा है, बट मैं इसको ऐसे नहीं हटाऊँगी। इसको मैं छोटे छोटे पीसेज में अच्छे से प्लेट पर ही कट कर लूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्जी के पीसेज कट कर सकते हैं, बट मैं चौकोर पीसेज कट कर रही हूँ। ये मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं इनके 1-1 पीस उठाऊँगी। देखिए कितने अच्छे से कट हुए हैं, कितनी आसानी से निकल जाएंगे। देखिए कितना पतला पापड़ बनकर हमारा रेडी हुआ है, इसके आर पार भी दिख रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये आपको बहुत पसंद आएंगे। अभी जो पापड़ निकाला है हमने, अब हम इसका रोल बनाएंगे। इसका रोल बहुत आसानी से बन जाएगा, नहीं टूटेगा और ना ही चिपकेगा, बहुत आसानी से रोल बन जाएगा। ऐसे ही हम सारे पापड़ के रोल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है, एकदम फ्रूटी वाले कलर के पापड़ बनकर रेडी हुए हैं। हमने कोई सा कलर फूड का ऐड नहीं किया है इसमें और ना ही हमने मिर्ची का ऐड किया है। अगर आप इसको थोड़ा तीखा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही चीनी डालकर खट्टे मीठे पापड़ बनकर हमारे एकदम रेडी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आई होप ये आपको बहुत पसंद आएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कैसी इजी सिंपल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।